जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम गुजरात के वाइड डेजर्ट यानी कि रन ऑफ कच्छ की बात करने जा रहे हैं। अगर आप रन उत्सव में शामिल होना चाहते हैं और कच्छ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको रन ऑफ कच्छ कैसे पहुँचना है, कच्छ में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ हमको वहाँ पे भोजन की क्या व्यवस्था होगी। रन उत्सव कच्छ में शामिल होने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ हमको कौन से सीजन में जाना चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। रन ऑफ कच्छ में हमको और भी कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हमको विजिट करना है और इन सारी जगहों को विजिट करने के लिए हमारा साधन क्या होगा। अंत में हम ये भी जानेंगे कि रन ऑफ कच्छ को एक्सप्लोर करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके मैं सारी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे आपको कच्छ रन उत्सव घूमने में काफी सहूलियत होगी और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आएगा। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए, सबसे पहली बात करते हैं कि आपको रन ऑफ कच्छ कैसे पहुंचना है। दोस्तों कच्छ पहुंचने का आपके पास दो बड़े ऑप्शन है। इससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों आप अपने विभिन्न शहरों से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं आप वहां से डायरेक्ट ट्रेन देखिए भुज के लिए। अगर आपको भुज तक के लिए ट्रेन मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर अदरवाइज आप राजकोट या फिर अहमदाबाद से भी अपनी ट्रेन बदल के भुज तक आ सकते हैं, यानी कि भुज आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कच्छ से। भुज से कच्छ की जो दूरी है वो आपका 82 किलो लगभग पड़ता है, आस पास पड़ जाएगा। और ये 82 किलोमीटर तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन ये है कि आप बस के माध्यम से भुज से कच्छ पहुंच सकते हैं। भुज से कच्छ पहुंचने के आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे बस में, और बस वाला आपका एक व्यक्ति का जो कॉस्ट लेगा वह आपका 50 रुपये से 55 रुपये लगता है। और दूसरा आपका ऑप्शन है वह आपका स्कूटी या फिर बाइक हायर करके आप रेंट पर जा सकते हैं। दोस्तों भुज रेलवे स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे ट्रेवल एजेंट मिलेंगे, वहां से आप अपनी बाइक हायर करके या स्कूटी हायर करके आप कच्छ पहुंच सकते हैं, या फिर 82 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको मैंने बताया है 2 से 2.5 घंटे तक लगेंगे। स्कूटी का जो कॉस्ट होता है दोस्तों वो है आपका 600 रुपये होता है, वही अगर आप बाइक लेते हैं तो आपका 800 रुपये 1000 तक पड़ जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप अपने कच्छ पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे बड़े ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप गांधीधाम एयरपोर्ट आ सकते हैं। दोस्तों गांधीधाम एयरपोर्ट से कच्छ की जो दूरी है वो लगभग आपका 120 किलोमीटर पड़ता है, और ये 120 किलोमीटर तय करने के लिए ये तो आप बस के माध्यम से आ सकते हैं या फिर आप चाहे तो टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि आपको कच्छ पहुंचने के लिए कौन कौन से साधन मिलेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, अब हम कच्छ पहुंच चुके हैं और हमको अब कच्छ में स्टे कहाँ करना है और हमको कच्छ में स्टे क्या करने के लिए क्या ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पर स्टे करने के थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो कच्छ है केवल रन उत्सव पर्व में ही जाने में मजा आता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा आपको कौन सी जगह पर जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कच्छ में स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ वो है आपका प्राइवेट होटल जहाँ पर आप रुक सकते हैं। भुज में आपको बहुत सारे होटल देखने को मिलेंगे जो कि 500 रुपये 600 रुपये में स्टार्ट हो जाता है होटल के कॉस्ट, और आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आप चीपेस्ट मोड अपनाते हैं तो दूसरा आपके पास है जो कि आप कच्छ में ही अपना स्टे बना सकते हैं, वो है आपका रिजोर्ट या फिर होम स्टे। दोस्तों होम स्टे यानी कि कुछ लोगों का घर होता है, वह लोग आपको होम स्टे भी देते हैं और वो आपसे एक नॉर्मल चार्ज लेते हैं, लेकिन वह होम स्टे का एक अलग ही अनुभव होता है क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीज ही देखने को मिलेगी, जैसे कैसे गुजरातियों का वहाँ पर रहन सहन और लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। तो उसका जो कोर्स होता है वो आपका 2000 से 2500 रुपये होता है, पर वो आपको होम स्टे देते हैं। और ये होम स्टे एक नॉर्मल होम स्टे नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको वहाँ पे होम स्टे दे दिया जाता है। आप जितने भी दिन वहाँ रुकना चाहते हैं आप इस तरीके से आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर टेंट सिटी। दोस्तों टेंट सिटी यानी कि सबसे वहाँ पर महंगा ऑप्शन है, और इस टेंट सिटी में अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो आपको 5000 रुपये स्टार्टिंग पड़ता है, और इसका प्राइस आप अपने बजट अनुसार बढ़ा सकते हैं।
यानी कि 10,000 से 15,000 तक के भी आप टेंट सिटी में अपना स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो रेट हैं वो आपके दो लोगों के लिए है, यानी कि अगर आप कपल हैं तो दो लोगों के लिए ये रेट बता रहा हूँ। इसमें आपके फूड भी शामिल रहते हैं और साथ ही साथ आपका पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी इंक्लूड रहता है। कुल मिलाकर जितने भी दिन का आप ट्रिप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको फूड का भी ऑप्शन रहेगा और साथ ही साथ आपका पिकअप और ड्रॉप का भी सिस्टम रहता है। तो दोस्तों आप चाहे तो टेंट सिटी में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको एसी नॉन एसी दोनों ही प्रकार के टेंट सिटी में आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसी के साथ साथ जो टेंट सिटी में नहीं रुकना चाहते तो उसको फूड की क्या ऑप्शन रहेगी। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था उनको मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया होम स्टे करना चाहते हैं, वहाँ पर जो गांव है और गांव में आप जिसके यहाँ भी रुके हैं वहाँ पर आपको फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर रेस्टोरेंट भोजनालय और वहाँ पर आपको गुजराती थाली भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल खाने को ऑर्डर देकर बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में आपको वहाँ पर एक टाइम का एक भोजन एक व्यक्ति का हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, हमको वाइल्ड डिजर्ट में प्रवेश करने से पहले हमको कच्छ आना कब चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों कच्छ आने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो समय होता है नवंबर से लेकर फरवरी तक का होता है, क्योंकि ये नवंबर से फरवरी के बीच में गुजरात सरकार द्वारा लगाया जाता है रण उत्सव। दोस्तों ये रण उत्सव वाइट डिजर्ट में यानी कि सफ़ेद रेगिस्तान में ही लगाया जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराए जाते हैं। गुजराती डांस, वहाँ के फोक डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आयोजित की जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर शॉपिंग के लिए स्टॉल भी लगाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सभी चीज़ें आप यहाँ खरीद सकते हैं। यह नवंबर से लेकर फरवरी तक का रण उत्सव मनाया जाता है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नवंबर से फरवरी के बीच में आप रण उत्सव जा सकते हैं। और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन जो यहाँ पर वाइट रेगिस्तान पर अगर आप जाते हैं तो आपको एक काफ़ी शानदार अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आप जानते हैं कि फुल मून वहाँ पर आते हैं और सफ़ेद रेत पर उनकी किरणें पड़ती हैं, तो कुछ अनोखा दृश्य देखने को हमको मिलता है। तो दोस्तों नवंबर से फरवरी के बीच आप जा सकते हैं। बात करते हैं आपको कितने दिनों का यहाँ पर स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों आपको 2 दिन के लिए स्टे बनाना चाहिए अगर आप रण उत्सव आते हैं तो। वही अगर आप भुज भी घूमना चाहते हैं तो हो सकता है आपके आने वाले समय पर प्लान ना बने, तो मैं यह रिकमेंड करूंगा 3 दिन का ट्रिप बनाइए, क्योंकि 1 दिन आपको इंक्लूड करना होगा भुज के लिए। दोस्तों भुज में ही कुछ दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर भी आप घूमिए और साथ ही साथ आपको मांडवी बीच पर भी जाना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप घूमेंगे तो आपको कम से कम 3 दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों ये सारी बातों का भी मैं विस्तारपूर्वक आपको बताऊंगा। पहले ये बात करते हैं कि आपको वाइल्ड डिजर्ट जाने के लिए जहाँ भी आप रुके हैं टेंट सिटी के आसपास या फिर कच्छ में या जहाँ पर भी आपने होम स्टे लिया है वहाँ से आपको वाइल्ड डिजर्ट जाने के लिए वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा परमिट। और यह परमिट लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन तो ये ऑनलाइन जो कि आपका यह वेबसाइट है www.renpermit.com, इस वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन परमिट निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति का 100 रुपये कॉस्ट होता है। और वही दूसरे विकल्प की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ऑफलाइन विकल्प। तो दोस्तों अगर आप कच्छ से वाइट डिजर्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक गांव पड़ेगा जिसका नाम है भ्यान दियारा, और यह भ्यान दियारा चेक पोस्ट में ही आपको वहाँ पर अपना परमिट निकलवाना पड़ेगा। आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए। 100 रुपये एक परमिट का आपसे लिया जाएगा और यह परमिट दिखाकर आप वाइट डिजिट में प्रवेश कर सकते हैं। और वही आपके साथ बच्चे हैं और उनका उम्र 5 साल से 12 साल तक का है तो आप उनका हाफ टिकट लगेगा, यानी कि 50 रुपये पर एक बच्चे का लगेगा। तो दोस्तों आप वाइट डिजिट में जाइए, वहां पर आप सनसेट और सनराइज का मजा लीजिए, क्योंकि तो यहां पर सनसेट के समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दृश्य हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लाइट में रुकते हैं तो आपको काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप पूर्णिमा के दिन आए होंगे तो दोस्तों वाइट डिजिट में आप रहिए, फोटोशूट कराइए, यहाँ के वाडियो का एंजॉय भरपूर एंजॉय कीजिए और वापस जाइए अपने टेंट सिटी में। दोस्तों टेंट सिटी में यहाँ पर होता है नाइट शो, तो यहाँ पर नाइट शो में आपको संस्कृत कार्यक्रम, ट्रेडिशनल डांसिंग, लोकगीत का आयोजन
ये सारी चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आप नाइट शो में जरूर सम्मिलित होइएगा, जो कि आपको एक बेहद नई नई चीजें गुजारते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बात थी कि हमें डे वन में आप ये सारी चीज आप घूम लेंगे। अगली बात करते हैं यानी कि डे नंबर टू की। दूसरे दिन आपको कहाँ जाना है? कच्छ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है एक काला डूंगर। दोस्तों काला डूंगर यानी कि यहाँ पर गुजरात का सबसे ऊंची पहाड़ी कहा जाता है, तो आप काला डूंगर भी जाइए, जो कि रन ऑफ कच्छ का दृश्य देखने को मिलेगा इस पहाड़ी से। तो यहाँ पर भी आप जरूर जाइए। और इसी रास्ते में दोस्तों आपका पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड एरिया। दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड एरिया यानी कि अगर आप कार में बैठे हुए हैं और आप ब्रेकअप लाइन नहीं किए हुए हैं और आप गियर में नहीं हैं, तो गाड़ी ऑटोमेटिक पीछे की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है, तो यह मैग्नेटिक फील्ड एरिया इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी आप कुछ समय रुककर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये दृश्य देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों कच्छ में अगर आप चाहते हैं पैरा बोर्डिंग करना या कैमल राइडिंग करना, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अलग अलग कोस्ट होते हैं, आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप पैरा बोटिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ के रेगिस्तान में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो दिन का प्लान घूमने के बाद आपको भुज अगर घूमना है तो आप भुज भी घूम सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका है कच्छ म्यूजियम। तो आप कच्छ म्यूजियम भी जा सकते हैं, वंदे मातरम मेमोरियल यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, प्रयाग महल यहाँ भी आप जा सकते हैं जो कि भुज में ही स्थित है, और अंत में भुज में एक आपका पड़ता है आईना महल, यहाँ भी विजिट करके आप कुछ समय भी व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भुज में आपका कुछ दर्शनीय स्थल। दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं भुज से 50 किलोमीटर दूर जिसका नाम है मांडवी बीच, जो कि गुजरात का एक प्रसिद्ध बीच कहलाता है। दोस्तों मांडवी बीच में भी सनराइज का बेहद शानदार नजारा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बीच में आप आनंद उठा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पर मांडवी बीच के पास ही कुछ दर्शनीय स्थल है, वहाँ भी चले जाइए, जिसमें पहला नाम आता है आपका स्वामी नारायण मंदिर, मांडवी फोर्ट जिसको मांडवी किला कहा जाता है, तो आप इस किले में भी जाकर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर एक पड़ता है विजय विलास पैलेस, इस पैलेस में भी जाकर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 दिन का ट्रिप प्लान था, जिसमें आप भुज घूमेंगे, कच्छ घूमेंगे और वाइट डिजर्ट में घूमेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर रन उत्सव में जो कल्चर एक्टिविटी होती है उनमें भी आप शामिल हो सकते हैं। इन सारे जगह घूमने के लिए दोस्तों आपका दो ऑप्शन मैंने बताया है, एक तो यह है कि आप बस के माध्यम से घूम सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है। मांडवी बीच के लिए भी दोस्तों आप भुज से बस मिल जाती है, जो आपका 40 रुपये लेता है, और भुज से आपको मांडवी बीच ड्रॉप कर देती है। और दूसरा ऑप्शन तो मैंने आपको बताया था, अगर आप स्कूटी और बाइक हायर किए हुए हैं तो आप इससे भी आप इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं हमारा ये, यहाँ पर एक वक्त का कुल खर्चा कितना आएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं और आप अगर टेंट सिटी में रुकते हैं, और जो एक वक्त का खर्चा आएगा वो कम से कम 9,000 से 10,000 रुपये तक आ जाएगा। दोस्तों इस फेरे में मैंने किसी भी तरीके का ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेरे में मैंने केवल आपके 3 दिन का ट्रिप में होने वाले कुल खर्चे यानी कि फूड के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और जो भी आपके एकोमोडेशन के खर्चे, इन खर्चों को जोड़ा जाए तो आपका 9,000 से 10,000 तक आ जाएगा, जो कि एक व्यक्ति का लग जाएगा। दोस्तों ये था रन ऑफ कच्छ का संपूर्ण वर्णन, और अगर आप किसी और वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल इंडिया टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। नहीं आता था तब तक के लिए शुक्रिया।